प्रदेश की विदिशा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विदिशा पुलिस एवं साइबर सेल पुलिस की मदद चोरों द्वारा चोरी किए गए 50 मोबाइल को एसपी ने आवेदकों को वापस लौटाए। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विदिशा पुलिस द्वारा एक अनोखी मिसाल कायम की गई, जिसमें विदिशा एसपी दीपक शुक्ला के निर्देशन में उन मोबाइलों को वापस किया गया जो कि पिछले 3-4 माह से चोरी हो रहे थे या फिर गुम हो रहे थे। इस संबंध में विदिशा एसपी दीपक शुक्ला ने बताया कि हमारे थानों में मोबाइल चोरी होने या मोबाइल गिरने की अलग अलग प्रकार की शिकायतें आती रहती थी, जिन्हें हमने साइबर सेल के माध्यम से सभी शिकायतों को ट्रेस करवाया, जिससे लगभग 50 मोबाइल ढूंढने में सफलता प्राप्त हुई। देखिए, हमको समय समय पे शिकायतें लोग करते हैं कि उनके मोबाइल खो गए हैं या किसी तरह से चोरी हो गए या मिसिंग हो गए या कहीं गिर गए। तो ऐसी सभी शिकायतों को हमने साइबर शाखा को विशेष काम पे लगाया था कि सभी इनको ट्रैक करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें। तो ये लोग लगातार पिछले 3 महीने से इस पे काम कर रही थी हमारी साइबर की टीम, और इसमें 50 मोबाइल फ़ोन हमने बरामद किए हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमारी टीम ढूंढ के लाई है। और इसमें से कई सारे जो आवेदक थे उनको आज हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलवाया और उनको उनके मोबाइल सुपुर्द किए। सभी लोगों ने पुलिस का इसमें आभार व्यक्त किया। इसमें लगभग 50 मोबाइल कीमती लगभग 7.25 लाख रुपये के आज हमने लोगों को सुपुर्द किए हैं। और इसमें लगातार जैसे हमारे पास और भी शिकायतें मिलती रहती हैं, टीम लगातार इस पर काम करेगी और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों के ऐसे खोए हुए सामान जो हम ट्रैक करके वापस दिला सकते हैं वो हम लोगों को वापस दिलवाएं। हमारी साइबर की पूरी टीम लगी थी और विभिन्न थानों के कर्मचारियों के सहयोग से मोबाइल दस्तियाब कर आवेदकों को वापस करे हैं हमने। मोबाइल विदिशा के अलावा अशोकनगर, रायसेन और भोपाल और सागर जिलों से दस्तियाब किए हैं। तो कुछ लोगों को रोड पर चलते हुए भी मोबाइल मिले, कुछ लोगों ने सेकेंड हैंड खरीदे हैं तो, और कुछ के पास किसी ने दे दिया चलाने के लिए, इस टाइप से मिले हैं मोबाइल से। पुलिस की वजह से मेरा 7 अप्रैल बागेश्वर धाम के इधर हाईवे पे गुरुजी आए थे ना, तो उधर से घुमा था मेरा मोबाइल। 3 महीने हो गए पूरे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद कहेंगे। बहुत अच्छा काम किया है कि जो सबके मोबाइल 30-40 जितने भी हों, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इसके बाद अब देखना होगा कि विदिशा पुलिस आगे आने वाले दिनों में और कितने मोबाइल ढूंढकर आवेदकों को वापस करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, विदिशा।